सागर जिले की बहेरिया पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते दो वाहनों को पकड़ा है, जिसमें 5,10,000 की अवैध शराब जब्त की गई है। आरोपी भागने में सफल रहे। मिली जानकारी के मुताबिक सत्यम ढाबा फोर लेन चौराहे के बड़कुआ रोड पर पिकअप वाहन से अल्टो में अवैध शराब की पलटी करने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर बहेरिया थाना प्रभारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी की। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन वाहन छोड़ गए, जिसमें 102 पेटी देशी शराब पकड़ी गई। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फोर लेन हाईवे पर जो बड़कुआ रोड है, सिंगल लेन रोड है, वहाँ पर पिकअप से एक ऑल्टो कार में शराब पलटी की जा रही है। तो सूचना पर मौके पर जाकर के तस्दीक की गई तो कुछ लोग शराब भरते हुए उसमें पिकअप से ऑल्टो कार में शराब पलटी कर रहे थे, तो पुलिस को देख करके मौके से भाग गए। लेकिन मौके पर वाहन ऑल्टो MP15 CC 6172 और पिकअप MP30 G 1220 ये मौके पर खड़े हुए मिले। इसमें अवैध शराब भरी हुई थी, देशी मदिरा मसाला, कुल 102 पेटी। तो इसको विधिवत जब्त करके और वाहन चालक और उनके साथियों के विरुद्ध प्रकरण धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसकी कीमत क्या है? ये अवैध शराब की कीमत 5,10,000 रुपए है और दोनों वाहनों की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए आंकी गई। सर, कोई आरोपी गिरफ्तार है? इसमें आरोपी चूंकि अंधेरा था उस समय, तो आरोपी मौके का फायदा उठा करके वहां से भाग गए थे, इस कारण से नहीं जा सके। लेकिन शीघ्र ही उनको पकड़ा जाएगा और इसमें जो भी इस अवैध शराब की व्यापारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।